इंतहाई दुख की बात भी है और हैरत की बात भी है कि वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती रहती है, तो वह सेब डेरा की आबादी तो दुगनी तिगनी होनी चाहिए थी, लेकिन ये हैरत अंगेज़ बात है कि आपके ठांग के आपके डेरा व सेब की आबादी जो है वो कम हुई है। और ये लोग जो यहाँ पर तकरीबन 20 साल से 30 साल से रह रहे हैं, बंदा जहाँ रहता है महीने साल दो तीन साल से वहीं अपने आप को शो भी करता है, अपनी फैमिली को भी शो करता है, तो इन्होंने कसदन मिलफाइडली बदनीयती से उन लोगों को शो भी नहीं किया। और मेरे वसे डेरा की जो आबादी है जिस तरह कम हुई है, इंतहाई कंडे में बले और बदकिस्मती की इंतहा है। और हम डेरे वालों के लिए, स्पेशली वो कला के लिए, डेरे के पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हर फोरम पर हर जगह हम इसको रिजिस्ट भी करेंगे। और किसी भी सूरत हमें डेरे इस्माइल ख़ान से, डेरे इस्माइल ख़ान के वसेब से यहाँ के बासियों के साथ सुतेली माँ का सलूक नहीं होना चाहिए। आप देखें, आबादी पर हमें स्कूल भी मिलते हैं, आबादी पर हमें अस्पताल भी मिलते हैं, आबादी पर हमें कॉलेज भी मिलते हैं, आबादी पर हमें सरकारी नौकरियां, वज़ाइफ, आपके रोड और आपके सारी फैसिलिटीज़ आबादी पर है। इसका मतलब ये है, अगर हम इस मर्दुमशुमारी को, इस बेवकूफ़ाना हरकत को मान लें, तो अपने रोडों को भी कम कर रहे हैं, अपने स्कूलों को भी कम कर रहे हैं, अपने सरकारी नौकरियों को भी कम कर रहे हैं, और अपने वसेब के पाँव पर हम कुल्हाड़ी चलाने के मुतरादिफ वाली बात है। तो डेरे वालों से, पॉलिटिकल पार्टी से, यहाँ के वसेब के बासियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम किसी भी सूरत, किसी भी अंदाज से ना इस अमल को मालते हैं, ना इसको तस्लीम करते हैं। हर फोरम पर, हर हद तक, आखिरी हद तक रिजिस्ट भी करेंगे और अदालतों के पास भी जाएंगे।